खुबानी का मीठा के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। तो ये मैंने रात को सोख कर लिए थे साफ़ पानी में अच्छे से धो करके, और अभी मैंने बनाने से पहले इसको छान लिया है, और इसका जो पानी है वो मैं अभी कुकिंग के टाइम में यूज़ करूँगी। तो एक बारी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इसको कट कैसे करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जब हमें इसे कट करना है तो हमको इसको बिल्कुल धीरे से कट करके, हल्का सा कट देके इसको, इसका जो सीड है वो निकाल लेना है। और हमें कोशिश करनी है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं लगाना है, ताकि इसका जो जूस है वो नहीं निकलना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ कट किया है तो आप देखिए बिल्कुल भी इसका जूस नहीं निकला है। और कट करने के बाद जो इसके सीड्स निकलते हैं उसको आपको थ्रो नहीं करना है। इसको तोड़ने के बाद एक इसमें बादाम जैसी गिरी निकलेगी, तो अभी आपको मैं ये सीड तोड़ करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर से जो गिरी निकलती है वो कैसी होती है। ये देखिए, तो देखिए ये बिल्कुल छोटा सा बादाम हम इसको कह सकते हैं। तो इनका फ्लेवर हमारे जो गुरबंदी बादाम बाजार में मिलते हैं, जिसे हम देसी बादाम भी बोलते हैं, इनका फ्लेवर कुछ कुछ वैसा होता है, और ये थोड़े से बिटर होते हैं फ्लेवर में। ऑथेंटिकली तो हैदराबाद में जब खुबानी का मीठा बनाया जाता है तो ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको मीठे के साथ बिटर फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। उसकी जगह हम इसका सब्स्टिट्यूट लेंगे। ये मैंने ब्लांच्ड बादाम ले लिया, उसका छिलका निकाल करके मैंने इसको बारीक काट लिया है। अब इसमें जो जिसमें हमने इसको रात भर भिगोया था, यही सेम पानी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, और तेज़ आँच पर इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी। तो जब तक ये खुबानी पक रही है तब तक मैं आपको बता देती हूँ इसकी थोड़ा सा कि खुबानी का मीठा एक्चुअली है क्या चीज़। जैसे कि हमारे यहाँ पर मीठे के रूप में खीर, हलवा, जलेबी सर्व किया जाता है, ठीक वैसे ही हैदराबाद में मीठे के रूप में इस खुबानी का मीठा को मलाई के साथ सर्व किया जाता है। तो अब जैसे इसमें थोड़े से बबल्स आने लग गए हैं हाई फ्लेम में, इसको मैं गैस धीरे करके थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए तो हमने इसका कवर हटा देना है, और इसको हाई फ्लेम पर ही धीरे धीरे चम्मच या जो भी आपके पास कड़छी है उससे थोड़ा सा मैश करना है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मैश नहीं करना है, क्योंकि ये वैसे ही सॉफ्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा हमें हलवा भी नहीं बनाना है। इसका थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि खाते हुए इसके पीसीज मुँह में आए। साथ ही में मैं थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले से ही मीठा है खुबानी, अपने आप में इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो इसमें चीनी कम ही डालें। और अब इसको हाई फ्लेम पर मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, क्योंकि ये जो चीनी है कैरामलाइज होकर के अपना कलर भी छोड़ेगी, ब्राउन कलर, तो इससे ये और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो अब ये चीनी डालने के बाद इसमें कलर बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि चीनी अच्छे से कैरामलाइज हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा केसर, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद गुलाब जल की, जो डाबर का गुलाब जल आता है मैं वही यूज़ कर रही हूँ इसमें। और जब भी आप कोई फ्लेवरिंग करे किसी भी डिश में तो उसका वो जो फ्लेवर है वो इतने ज़्यादा ओवरपावर नहीं करने चाहिए डिश में, कि जो उसका एक्चुअल फ्लेवर है वो ही ख़त्म हो जाए, तो इसलिए कम कम ही डालना है। इसी में ही मैं थोड़े से बादाम, और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़े से जो हमारे खुबानी के जो सीड से गिरी निकली थी उसको मैंने ब्लांच करके छिलके उतार के 2-4 मैं वो डाल रही हूँ। और अब हम इसको गरम गरम व्हिप क्रीम के साथ सर्व करेंगे।